हेलो एवरीवन आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट जैसा कि आप सभी को पता है यूकेपीएससी का जो हमारा जेई का एग्जाम था वो हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विफरेंट सेंटर्स पर आयोजित किया गया इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न रहता है उस सभी से आप अवगत हैं तेईस एवं चौबीस दिसंबर को यह एग्जाम यू द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया एंड आई एम श्योर अगले ही हफ्ते में यानी कि इसी वीक में किसी दिन यू द्वारा मोस्ट प्रॉब्ली बाई फ्राइडे आपकी जो भी एग्जाम पेपर्स हुए हैं उन सभी की प्रोविजनल आंसर की भी यू के द्वारा जारी कर दी जाएगी एंड उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट महसूस होता है या डाउट लगता है तो अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्शन पीरियड भी दिया जाता है जहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्शन रेस्ट कर सकते हैं बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट आपका जो पेपर हुए थे यू के पी जेई के 23 दिसंबर को आपके दो पेपर आयोजित किए गए जो पेपर पेपर था दैट वाज ऑफ़ योर हिंदी 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं एंड देन सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर था दैट वाज ऑफ इंग्लिश विच वाज अगेन ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स ठीक है तो जो तेईस दिसंबर को आपके पेपर हुए जब स्टूडेंट्स पहला पेपर अपना देके आए जो कि मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ सामान्य हिंदी का तो बहुत ही बेसिक मुझे लगता है ये पेपर आया अगर कोई एस्पिरेंट ढंग से हिंदी की तैयारी कर रहा है एंड उसने एटलीस्ट प्रीवियस कुछ टाइम में जितने भी पेपर्स यूकेपीएससी द्वारा आयोजित किए गए हैं उनके अगर हिंदी के सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर वो करके गए हैं तो वो इजीली इसमें 80 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं इन योर हिंदी पेपर अलोन अब ठीक है वो बोलने वाली बात है दैट बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलेंगे दैट यू नो ये 80 प्लस अभी लग रहे हैं बट आंसर की जब आयोग द्वारा जारी की दी जाएगी तो जो 80 प्लस वाले हैं वो 60 प्लस पे आ जाएंगे देखिए ऐसा होता है बट एटलीस्ट जो एस्पिरेंट्स आपके मेरिट होल्डर्स होते हैं जो अपना सेलेक्शन इन्श्योर करेंगे दे विल मेक श्योर दैट अगर इस तरीके का पेपर आपका हिंदी का आता है तो वो अस्सी के आसपास तो नंबर लाने की कोशिश करेंगे हिंदी के पेपर में तो मुझे पर्सनली लगता है हिंदी का जो जनरल हिंदी का पेपर था जिसमें सौ क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए सौ मार्क्स का यहाँ आपका पेपर होता है जो कि पहला पेपर था आपका यूके पी जेई का तेईस दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था वेरी बेसिक पेपर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अराउंड एटी मार्क्स आप ईजिली स्कोर कर सकते हैं तो उसके बाद आपका जो पेपर आयोजित किया गया सेकंड शिफ्ट में दैट वॉज ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज अगेन नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बट मैं बोलूंगा ठीक है एवरेज पेपर आप इसको मान सकते हैं जिन उन लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है अगेन वो बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं सेम पैटर्न ही रहता है हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स जी एस का इसमें कोई पेपर होता नहीं है तो बेसिकली ऑल दोज हुआ रेपेरिंग फॉर जनरल यू नो जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम जूनियर इंजीनियर एग्जाम सॉरी जे ई एग्जाम उनके आपका जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं हिंदी सौ मार्क्स इंग्लिश सौ मार्क्स यानी कि दो सौ मार्क्स का आपके पास यहाँ जो टोटल होता है वो होता है एंड दीज पेपर्स आर वेरी वेरी स्कोरिंग कंसिडरिंग जो अगले दो पेपर आपके होते हैं जो कि आपके चौबीस तारीख को ऑर्गेनाइज किए गए ट्वेंटी फोर दिसंबर को उनके बारे में मैं अभी शॉर्टली आपको बताने जा रहा हूँ एंड यह भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दैट कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम बिकॉज आप सभी एस्पिरेंट्स ने अपना एग्जाम दे दिया है एंड आई एम श्योर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अभी तक कहीं ना कहीं से अपने आंसर्स मैच करके सॉल्यूशन से जो भी डिफरेंट सॉल्यूशंस उन्होंने देखे हैं यूट्यूब चैनल पर या अपने आप भी जो अपना पेपर एनालाइज किया है आपने रफ एक अंदाजा लगा लिया होगा दैट उनके कितने मार्क्स यू पी एस जेई में बन रहे हैं तो आशा करता हूँ दैट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने मार्क्स जरूर बताएंगे जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं आउट ऑफ नाइन ट्वेंटी बिकॉज दिस इज द टोटल ऑफ योर टोटल मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी ऑप्टेंड इन जे पेपर ऑल राइट इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दैट हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप जरूर ज्वाइन करें बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं रिगार्डिंग योर यू के पी एस सी एज वेल एज यू के ट्रिपल एस सी के एग्जाम यह सभी अपडेट्स मैं आपकी इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ साथ ही इस टेलीग्राम चैनल पर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऑफ जनरल स्टडीज पेपर बीट ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री जोग्राफी इकनॉमी पॉलिटी उत्तराखंड करंट अफेयर्स एज वेल एज वेन आई टॉक अबाउट स्टैटिक नॉलेज लाइक हिस्ट्री एंशेंट मेडिवल मॉडर्न फिर जोग्राफ़ी इकोनॉमी पॉलिटी करंट अफेयर्स बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल सारे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काफी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम बजाय यू नो रिलाइंग ऑन मोस्ट ऑफ द हैवी टेक्स्ट बुक्स उनको पता होगा दैट जितने भी क्वेश्चन मैंने अपने करंट अफेयर्स की वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस डाली थी डिस्कस किए थे जितने भी हाल ही में पेपर्स यूके द्वारा आयोजित किए गए हैं उन्हीं में से आपको प्रश्न यूके पी के डिफरेंट पेपर्स में मिलेंगे इनफैक्ट जो अभी हाल ही में यूके द्वारा आर ओ का पेपर आयोजित किया गया एंड इससे पहले ईओ एंड टी यानी कि अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवन्यू इंपेक्टर का पेपर आयोजित किया गया इससे पहले देन आपका इन्वयरमेंट सुपरवाइजर का पेपर आयोजित किया गया था फिर आपका ड्राफ्ट्समैन का पेपर भी आयोजित किया गया था इन सभी में मेरे द्वारा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए गए थे काफी क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए एज इट इज उन एग्जाम कोशिश करूंगा आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं होंगी अभी तो हमारी इनफैक्ट तीन चार दिन बाद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा शेड्यूल्ड है जो कि है आपकी वीडियो वी की परीक्षा विच शेड्यूल्ड ऑन योर थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यो एजाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके रिगार्डिंग भी मैं चाहूंगा दैट कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं जरूर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ सो so हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि जो भी एस्पिरेंट्स जे ही पेपर में हमारे अपेयर हुए थे उनको एटलीस्ट एक आइडिया लग जाए दैट वेदर दे आर गेटिंग सेलेक्टेड और नॉट एंड उनको अंदाजा लग जाए दैट आपकी कट ऑफ जो है प्रॉबेबल कट ऑफ क्या होने वाली है फॉर यू के पी एस सी जेई एग्जाम ऑल राइट सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको एक बार बहुत जल्दी से बता देता हूँ द यूजर नेम ऑफ आर टेलीग्राम चैनल इज़ यू के पी एस सी एग्जाम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड यही लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा तो वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग डिफरेंट यू के पी एस सी एग्जाम्स आप वहाँ पर पूछ सकते हैं एंड आपकी जो भी क्वेरीज का सोल्यूशन होगा वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा राइट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया तेईस दिसंबर को दो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आयोजित किए गए सौ मार्क्स का आपका जनरल हिंदी का पेपर था सौ मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर था ये हो गए आपके दो सौ मार्क्स बट मेन गेम जो आपका यूके पी एस के जो एस्पेरियंस होते हैं दैट कम्स ऑन द सेकंड डे जब आपके अपने पेपर का पेपर होता है यानी कि अपना टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका पेपर जब आयोजित किया जाता है जो कि आपका किया गया आयोजित चौबीस दिसंबर को यदि आप सिविल वाले दो पेपर होंगे मैकेनिकल वाले दो पेपर हैं पहला पेपर हो सेकंड पेपर दो शिफ्ट में होते हैं दो पेपर होते हैं 180, 180, होते हैं। हर क्वेश्चन का वेटेज होता है, दो marks, 2, 2, यानि 360 का होगा पेपर टू ऑल राइट तो दो पेपर आपके होंगे सिविल का पेपर टू इन मॉर्निंग शिफ्ट एज शिफ्ट पहले पेपर में एक सौ अस्सी क्वेश्चन दूसरे में एक सौ अस्सी क्वेश्चन तीन सौ साठ तीन सौ साठ टोटल कितना हो गया यानी कि चौबीस दिसंबर आपका टोटल एट स्टेक कितने मार्क्स थे 720 320 बीस प्लस तीन एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें काफ़ी अच्छा भी स्कोर करके आए बट रेयरली ऐसा होता है कि देखिए कट ऑफ तो उससे निर्धारित होती है दैट जो लोएस्ट से, सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसके मार्क्स कितने होंगे अगर आपका एक पेपर अच्छा हुआ है तो कहीं ना कहीं दूसरे पेपर में कुछ स्टूडेंट्स ने फॉल्टर जरूर किया है जितने भी एस्पिरेंट्स से मेरी अभी तक बात हुई है तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ कहीं ना कहीं तो आप थोड़ा सा लैब्स कर ही जाएंगे आफ्टर ऑल घर से बोलना एंड घर से पेपर सॉल्व करना बहुत आसान है बट वैन यू गो एंड सिट इन द कॉम्पिटिशन हॉल वहाँ पर बात कुछ और होती है सो इट्स यू नो वेरी वेरी एसेंशियल दैट ये सब चीज़ें माइंड में रखी जाएँ जब भी एक कट ऑफ की एनालिसिस हम करते हैं पेपर एनालिसिस करते हैं तो अब आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए तेईस दिसंबर को दो मार्क्स सौ हिंदी सौ इंग्लिश एंड फिर चौबीस दिसंबर को तीन सौ साठ तीन सौ साठ यानी कि सात सौ बीस यानी कि जो आपकी मेरिट बनने वाली है दैट विल बी आउट ऑफ नाइन ट्वेंटी ऑल राइट नाइन ट्वेंटी आपकी मेरिट बनने वाली इसमें से कितने आपके मार्क्स रहेंगे फाइनल फॉर सिलेक्शन या प्रॉबिलिटी कट ऑफ कितनी जाने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, बट उससे पहले एक बार बहुत जल्दी से हम नजर डालेंगे दो हज़ार अट्ठारह को देखिए दिनांक 18 10 जनवरी 2018 को एक जो रिजल्ट है यूके पी द्वारा जेई का जो प्रीवियस भर्ती थी उसका यू you नो know, डिक्लेयर किया गया था क्या उसमें कट ऑफ रही थी फॉर इंटरव्यूज एंड इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन की क्या कट ऑफ रही थी देख लेते हैं एक बार देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2013 का नोटिफिकेशन छह सोलह को घोषित मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर विभिन्न विभागों के सिविल एवं प्राविधिक के पदों साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों के श्रेणी उप श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स निर्धारित है ऑल राइट जे की परीक्षा थी देखिए सामान्य वर्ग कितनी कट ऑफ है थ्री सिक्सटी एट ये इंटरव्यू की कट ऑफ है ऑल राइट right, फिर सामान्य उत्तराखंड महिला थ्री सिक्सटी एट पॉइंट टू फाइव कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट साक्षात्कार के बाद देखो कट ऑफ कितनी है ये साक्षात्कार के बाद की कट ऑफ है यहाँ पे एग्जैक्टली exactly लिखा हुआ है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साक्षात्कार के पश्चात ठीक है सेम परीक्षा में आपकी हो जाती है कट ऑफ कितनी सिक्स लोक निर्माण विभाग के लिए एंड सामान्य उत्तराखंड महिला फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन फाइव तो फाइनल जो रिजल्ट बना था वो इसके बेसिस पे आपका बना था बट ज़्यादा इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा नहीं ऑलरेडी आई एम श्योर जितने भी एस्पिरेंट्स इस बार अपेयर हुए थे उनको कहीं ना कहीं अंदाजा है दैट किस तरीके से कट ऑफ रहती है बट लेट अस टॉक अबाउट क्या इस बार की कट ऑफ आपकी जाने वाली है फॉर जनरल मेल कैटेगरी इन योर यू के पी एस सी जे ई एग्जाम और रेट मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है फॉर जनरल मेल इन योर यू के पी एस सी ए सॉरी जे ई एग्जाम दैट विल बी फाइव एट्टी प्लस माइनस फाइव ये रेंज रहने वाली अकॉर्डिंग टू मी फॉर योर जनरल मेल कैटेगरी कट ऑफ इतनी रहने वाली मेरे अकॉर्डिंग बट स्टिल अगर आप लोगों को लगता है दैट कट ऑफ जो मेरी द्वारा बताई जा रही है वो बहुत कम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं एंड इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी मुझे बताएं जहाँ पर आपको लगता है दैट किसी भी प्रकार का आपका डाउट है और राइट ऑब्जेक्शन आपको लगते हैं जिन क्वेश्चन में है वो भी आप सेट नेम के साथ एज वेल एज आपका जो भी क्वेश्चन नंबर है वो उसके साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने मार्क्स तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं ऑल राइट right, तो मैंने आपको बता दी जनरल मेल की जो कट ऑफ जाने वाली है दैट विल बी इन द रेंज 580 एट्टी प्लस माइनस फाइव ऑल राइट ये रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी फॉर जनरल मेल कैटेगरी हाउ एवर इफ आई टॉक अबाउट यू फीमेल कैटेगरी यू फीमेल कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहने वाली है दैट विल भी फोर प्लस माइनस फाइव ये मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने वाली है फॉर यूके फीमेल कैटेगरी ऑल राइट तो जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं इसके बिसाइड्स जो भी एस्पेरेंट्स अभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा दैट टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा जितने भी आपके यू नो फॉर्म्स आ रहे हैं उनको भी आप फिल करने की कोशिश करें कोशिश करें दैट जनरल स्टडीज़ की आप तैयारी करें स्पेशली फॉर दो एस्टूट जो सिर्फ उत्तराखंड के एग्जाम्स में रिलाई करते हैं बिकॉज बहुत टाइम बाद कोई ना कोई फॉर्म आता है एंड ऐसे में यही बेस्ट रहेगा दैट आप जी की तैयारी भी साइड बाई साइड चलाते रहें स्पेशली यू शुड फोकस ऑन उत्तराखंड जी बिकॉज इसका काफ़ी हद तक पोर्शन यू के ने आप बढ़ा दिया है अपने डिफरेंट एग्जाम्स में इनफैक्ट जो आर ओ का पेपर हुआ था उसमें यू के के ने बाकी सभी जो मेजर पोर्शंस होते हैं इकोनॉमी जोग्रफी पॉलिटी हिस्ट्री उनका काफी चंक ले लिया सौ में से चालीस नंबर की तो ऑलमोस्ट आपकी उत्तराखंड जी के ही आयोग ने पूछ लिया एंड जो स्टूडेंट्स ऐसे बेसिक टॉपिक्स को स्किप करके जाएंगे उनका सिलेक्शन ऐसे एग्जाम में होना इम्पॉसिबल है बिकॉज चालीस में से एटलीस्ट बत्तीस से पैंतीस क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत बेसिक्स थे एंड इवन इफ यू हैव स्टडीड उत्तराखंड एट अ वेरी बेसिक लेवल आप आसानी से वो क्वेश्चन क्रैक कर जाते ऑलरेड देन ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स कीप लर्निंग एंड शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो